नजर डालेंगे आलमी खबरनामे पर। इसराइल के इक्तसादी शहर तेल अबीब के वस्ती हिस्से में फायरिंग के नतीजे में दो अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तेल अबीब के एक मसरूफ इलाके में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की। इस इलाके में मुतअद्दिद रेस्तरां और बार्स हैं। हमले के बाद जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों के हमलों में 11 इसराइली हलाक हो चुके हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल असेंबली ने रूस के इंसानी हुकूक कौंसिल की रुकनियत ख़त्म कर दी है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में रूस पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रूस की इंसानी हुकूक की कौंसिल की रुकनियत ख़त्म कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसानी हुकूक कौंसिल से रूस की रुकनियत ख़त्म करने की अमरीकी तजवीज़ पर जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, जिसमें 193 में से 93 ममालिक ने तजवीज़ के हक में, जबकि 24 रुकन ममालिक ने अमरीकी तजवीज के खिलाफ वोट दिए। पाकिस्तान समेत 58 ममालिक ने वोटिंग में एब्सटेन किया। रमज़ान मुबारक में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर अजान के अल्फाज नमाया हो गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो रही है। बुर्ज खलीफा पर माह रमज़ान में मगरिब और इशा की अजान के साथ साथ अल्फाज रोशन होते हैं। बुर्ज खलीफा की ऑफिशियल ट्वीट में बताया गया कि अजान मुख्तलिफ इमामों की आवाज़ में दी जा रही है और ये सिलसिला आखिरी रोजे तक बरकरार रहेगा।